स्वास्थ्य नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को, पैसा चाहिए केवल। पटना सिटी में पकड़ा गए आदमी टमाटर में इंजेक्शन देते हुए, एक दिन लाया तरबुजा इतना बड़ा, हम कि बाप रे इतना बड़ा तरबुजा कहियो न देख लिए रहे। कल के वह ना चाहे, हम कि कौन छे, कल के इंजेक्शन वाला छे, कदुआ में इंजेक्शन, करेला में इंजेक्शन। एक दिन अपने आश्रम पर हमने कहा कि गौ ले और दूध लाने वाला ब्रह्मचारी देर से आया, हम कि इतनी देर क्यों किया, कहा पहले गौ को इंजेक्शन दिया है तब दूध दिया है, हम कि बंद करो इस जहर को नहीं लेना है। ये सारी चीजों को जहर आपने बना दिया। कबीर दुर्मति दूर करूं, ये दुर्मति है। खारे सारे खाद्य पदार्थ को अखाद्य बना दिया, सारे अमृत को विष बना दिया। तो पौष्टिक सात्विक संजत आहार लें। सब लोग गौ पालिए, भगवान कृष्ण गौ पालते थे। या अपाहिज शिक्षा कर लेते हो, जो काम नहीं करेगा, मैट्रिक पास कर गया, बाप रे बाप, ठेलुआ डिवीजन से, ठेलुआ डिवीजन चला है आजकल, ठेलुआ डिवीजन से मैट्रिक पास कर लिया, ट्रिक में रहता है, वो गौ को घास नहीं दे सकता है। जेठो महीना गौर में मोजा लगाता है ये मैट्रिक वाला सब, और दरवाजा पर बैठ करके ताश खेल रहा है, और दरवाजे पर बंधी हुई गौ घास और पानी के लिए तरस रहा है। ये अपाही शिक्षा लेकर क्या करो, शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए इसमें कर्तव्य निष्ठा हो। भगवान कृष्ण ऐसे तेजस्वी पुरुष गौ पालते थे, सब लोग गौ पालो। आज की अपाहिज शिक्षा ने आदमी को अपाहिज बना करके रख दिया है। तो मैंने कहा एक नए तरीके से जीने का हम लोग ढंग तैयार करें, दाल चावल साग सब्जी दूध घृत मक्खन मलाई पैदा कीजिए, खूब खाइए। और सुबह से आप लोगों को प्रशिक्षण मिल रहा है, सभी भाई और बहन, आज सुबह हम प्रशिक्षण मिला हमारे प्रशिक्षक श्री महेंद्र दास जी ने, आज आसन और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया था। जो लोग आए होंगे 5 बजे, वो लोग कुछ आसन देखे होंगे, प्राणायाम देखे होंगे, बहुत देखे आसन भी, बहुत देखे प्राणायाम भी, कम से कम 2-4 आसन भी तो क्या कीजिए। एक आसन आप लोग बैठते हैं ना, जिसको वज्रासन कहते हैं, दोनों पैर को पीछे करके ऐसे कोई बैठो तो हो, वज्रासन में बैठो, कोई दोनों पैर के पीछे करो, ये वज्रासन देखिए बैठा, उसका नाम ही है वज्रासन। अगर शरीर को वज्र बना देना है, पेट को वज्र बना देना है, अगर भोजन करने के बाद आप 5 मिनट वज्रासन न बैठे, कभी गैस फॉर्म नहीं करेगी, गैस बनेगी नहीं कभी। आसन को अपनाइए, प्राणायाम कीजिए। जानवर आसन करते हैं, पक्षीगण आसन करते हैं, कुत्ता आसन करता है, थोड़ी देर कुत्ता बैठेगा खड़ा होगा तो ऐसे करके तान देगा शरीर को, आपको पता नहीं चल रहा है, उसके नेचर में ही आसन है। कभी समूचे शरीर को पीछे खींच लेता है, कभी मुड़ी को नीचे, पीछे वाला भाग को नीचे, और बीच के मेरुदंड को ऊपर तान देता है, आसन कर रहा है। कभी मुंह बा देता है जोर से कुत्ता, आसन कर रहा है। पक्षियों को देखिए बैठे बैठे एक पैर पर खड़ा है, एक पैर को ऐसे तान देगा। स्वामी रामदेव जी के पास नहीं गया है, उसके स्वभाव में ही आसन है, दाएं पैर पर खड़ा हुआ एक पैर को ऐसे तान देगा। आप लोग भी आसन करो। कोई जानवर नहीं है आदमी को छोड़ करके, आदमी महाजानवर है, कोई जानवर नहीं है बाघ सिंह मांसाहारी को छोड़ करके जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद में जगता हो, सारे जानवर ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, सारे पक्षीगण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। या भागा या आदमी है, जब मुर्गा कहलक कुकुरु कू तब कहलक उठे रे भोर भै गले, भोरो के तोरा ज्ञान नहीं छोड़, यो सिखबे मुर्गे से। सारे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे त धर्मार्थो चानु चिंतित, ब्रह्म माने बड़ा, मुहूर्त माने समय। 4 बजे के बाद सोना तो पाप है, उसके लिए 9 बजे सो जाइए। अब बाजार में घूमते घूमते शराब पी करके टहलते टहलते जहां मित्र मिल गया तो वहां ताश शतरंज खेलते खेलते 12 बजा दबो, और सुतबो 2 बजे उठबो 9 बजे, तो रोग तोरा नहीं हेतु तो ककरा हेतु, गाछ पेड़ के। यहां तो एक नियम लेकर के जाइए कि समय से सोवो और समय से जागो। सब लोग याद कीजिए,
कि समय से सोवो, समय से जागो और समय से कर सब काम, ध्यान कर समय से प्यारे। समय से सोना चाहिए, समय से जगना चाहिए, घर का काम, गृहस्थी का काम या फुलवारी का काम, जानवर सेवा का काम समय से करो और समय से ध्यान किया करो। सब लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। तीन काम ब्रह्म मुहूर्त में करने के हैं। अगर कल्याण चाहते हो तो ध्यान न बैठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे। बौद्धिक संवर्धन चाहते हो तो हाथ पर धोकर कुल्ला करके आंख में पानी का चुल्लू मार करके पढ़ो, अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ो, समाज शास्त्र को पढ़ो, अर्थशास्त्र को पढ़ो, नीति शास्त्र को पढ़ो, दर्शन शास्त्र को पढ़ो, स्वाध्याय में आपका जीवन जाए। ब्रह्म मुहूर्त पढ़ने के लिए है। कल्याण चाहते हो तो ध्यान के लिए है। स्वास्थ्य चाहते हो तो आसन प्राणायाम के लिए है। सब लोग आज से रूटीन बनाइए तो आसन प्राणायाम करते रहें, पौष्टिक सात्विक संयत आहार लेते रहें और थोड़ा इंद्रिय संयम करते रहें। आ इंद्रिय संयमशीलता के लिए चित्रहार में जो कनपट्टी सटेने रहे छो वो नहीं करी। अगर चित्रहार में कनपट्टी सटेब तब तो मुश्किल छ, तो उधिया देता तोरा। चित्रहार और टीवी देखने का मन तो उधियाते रहता है, उधियाता है। तो जहां सुन लो कि मारे गुलेतबा जी आ उड़ जाए तो उड़ो यार, तब कोई बचा नहीं सके छ। इसलिए इंद्रिय संयम, पौष्टिक सात्विक संयत आहार और आसन प्राणायाम, जीवन बढ़िया हो गया आपका, स्वस्थ जीवन हो गया। और सारी फिजूल खर्ची को छोड़ दें, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी आपकी। मांस मछली अंडा बंडा ये सब धर्म की निगाह से अनावश्यक है। अब बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट जर्दा पान चाय स्वास्थ्य और अर्थ की दृष्टि से अनावश्यक। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मांस मछली अंडा धर्म की दृष्टि से अनावश्यक है, क्योंकि बिना हत्या किए मांस मिलेगा नहीं। मांस कहीं पेड़ में नहीं फलता है, आलू की तरह धरती के नीचे से नहीं निकलता है। जब किसी बैल बटेर को मारो तभी मांस बनेगा। और जीव हत्या करना सबसे अव्वल दर्जे का पाप है। तो धर्म की दृष्टि से मांस मछली अनावश्यक, और स्वास्थ्य की दृष्टि से बीड़ी खैनी गांजा, हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, क्या बिगड़ गया कहो। कल से हम आए हैं, श्रीपद दास जी के हमारा यहां आसन है, हमारे सब साधु ब्रह्मचारी हैं। पूछो तो कभी चाय मांगा क्या, चाय दिया कि नहीं। बहुत बाबा चाय पिए वाला छे, वो कत सत्संग में गेल तो पहने पता कैलक कि साहब के आसन सड़क के पूरब छे कि पश्चिम। कल के उनका आसन पश्चिम तरफ करके तो हमरा के पछमे दी हो, हमरा कनिटा गरम पानी चले छे, उनका लिखा खतरा भय। चाय पीने वाला लोग हमसे छाँह काटते रहता है कि हमारी जमात के लोग कोई चाय नहीं पीता है, जर्दा पान नहीं लेता है। बचपन से हम लोग मांस मछली बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट जर्दा पान चाय कुछ नहीं। 10 बरस की अवस्था में हम साधु जीवन में आए। साधु जीवन में आने के बाद हमारा विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय हुआ। 1967 से हम पटना के निकट कॉलेज में पढ़ाने लगे। जब पूरे देश में कार्यक्रम का जाल बिछ गया, 2001 में यूनिवर्सिटीज हमने त्याग पत्र कर दिया। आज हमारा एक विद्यार्थी है आया, हम कि कितना पैसा उठाते हो, कहा गुरुजी 1,30,000 रुपये। हमारा विद्यार्थी 2001 में हमने यूनिवर्सिटी त्याग पत्र किया। ऐसे परिवार में जन्म हुआ, ऐसे आदर्श माता पिता हमारे कि बचपन से ही मांस मछली नहीं जाने क्या होता है। छठी के दिन में ये कंठी हमारे गले में आई है, छठियाहाल के दिन। तो बचपन से मांस मछली बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट कुछ नहीं, जर्दा पान चाय कुछ नहीं। व्यक्तिगत मेरा जीवन है कि 38 वर्षों से नमक नहीं छुए हैं, 38 वर्षों से बिना नमक का भोजन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं। आत्मबल है, मनोबल है, बौद्धिक बल है, माता पिता के आशीर्वाद से, संत गुरुजनों की कृपा से जीवन निर्विकार है। मोक्ष खोजना नहीं है, मोक्ष का रास्ता हमको मिल गया है।
तो जीवन को बढ़िया बनाइए सब लोग, सब भाई बहनों का जीवन स्वस्थ हो और सारी अनावश्यक आवश्यकताओं को छोड़ करके अर्थ मजबूत बनाइए। ये देखिए अर्थ की कमजोरी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि धन आदमी का बाह्य प्राण है, शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता है, बाहर में धन नहीं हो तो विकास का एक काम नहीं हो सकता है। आज की जितनी खर्चीली शिक्षा हो गई है, पैसा आपके पास नहीं हो तो प्रतिभावती लड़की है, प्रतिभावान लड़के हैं, पैसे के अभाव में ऐसे गुदरी के नीचे वो जीवन गंवा देगा, शिक्षा उसकी नहीं होगी। पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पैसा शराब में नहीं जाए, गुटखा गुराखू नहीं जाए, दुर्व्यसन में नहीं जाए, जुआ में नहीं जाए, आवश्यक खर्च करके बचत योजना आपके पास चाहिए, बुद्धि से काम लीजिए। तो बढ़िया जीवन मतलब धन संपदा संपन्न जीवन, और दूसरा न्यायपूर्वक जीवन व्यापार कीजिए जिससे समाज में आपको सम्मान मिले, इज्जत दे। जहां भी निकलो तो लोग सम्मान की निगाह से आपको देखें, भौतिक जीवन बढ़िया हो, अच्छा जन्म बनाओ, आप स्वस्थ हो गए, समृद्ध हो गए और सम्मानित हो गए, आपका जीवन अच्छा हो गया। उसी बुद्धि के आलोक में एक बात दो मिनट में और समझ लो, ये जीवन पर ध्यान दो, जीवन क्या है, बाहर शरीर है भीतर, ये शरीर ही जीवन है कि शरीर में और कुछ है? भाई ठंडा दिल से सोचो, ये शरीर ही जीवन है कि शरीर में और कुछ है? एक दिन शरीर श्मशान घाट में रहता है ना जी, है उसको क्या कहते हो, मुर्दा। ओकरा कोई जीवन कहे तो की कहबो, कि दिमाग के फीता एकर उतरल छे, मुर्दा को जीवन कहता है। हम लोगों को भी कोई मुर्दा कहते तो भारतीय संविधान के अनुसार उसके ऊपर मानहानि का केस हो सकता है। हम लोग मुर्दा नहीं है, हम लोग जीवंत हैं। जीवंतता का लक्षण क्या है, बाहर शरीर भीतर आत्मा, बाहर जड़ सत्ता शरीर भीतर चेतन सत्ता आत्मा, चेतन अचेतन दोनों के संयोग को हम जीवन कहते हैं, अंतिम पॉइंट है। शरीर के लिए सारी व्यवस्था आपने कर ली, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, बढ़िया पत्नी, बढ़िया पति, बढ़िया संतति, बढ़िया गाड़ी घोड़ा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया करो, परम बढ़िया। फिर मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, शरीर बढ़िया है किंतु आत्मा परम बढ़िया है। ये शरीर धन दौलत मकान सब बढ़िया बढ़िया है किंतु आत्मा परमस चासो बढ़िया परम बढ़िया, आत्मा परम बढ़िया है। उस परम बढ़िया का अनुसंधान करो तब जीवन में शांति आएगी। उसी बुद्धि के आलोक में, सद्बुद्धि के आलोक में जब बौद्धिक विकृति चली जाएगी, दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, तब आप समझोगे कि मैं शरीर नहीं, शरीर जड़ है, जड़ शरीर में रहने वाला मैं चेतन आत्मा हूं। उस आत्मा के लिए प्रयास करोगे, उसके बाद साधना में उतरोगे, मन इंद्रियों का संयम करके, वासनाओं का त्याग करके, तत्व ज्ञानी और तत्व ग्रंथों का अध्ययन करके, जड़ और चेतन का सम्यक बोध लेकर के, प्रकृति मंडल से अलग हट करके, अपने चेतन मंडल में स्थित होकर के स्वरूपानंद का अनुभव करोगे, ता परम शांति का अनुभव भी कर लो, आपका जीवन बढ़िया हो गया, परम बढ़िया हो गया। आपके परम हितैषी सदगुरुदेव ने कहा कि कबीर दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जीवन कैसा, निरोग जीवन, समृद्ध जीवन, सम्मानित जीवन और अंततोगत्वा परम बढ़िया क्या, तो अनंत शांतिपूर्ण जीवन। शांति चाहते हो तो आत्मा को समझो, आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करो, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निध्यास्तव्य, उसके लिए ध्यान साधना अनुभवी संत गुरुजनों का आश्रय लेकर के, संत गुरुजनों का आश्रय लेकर के ध्यान क्या है, ध्यान की विधियां क्या है उसको ठीक ढंग से समझो, और सारे के सारे मन विक्षेप को दूर करके, चंचलता को दूर करके, मलिनता को दूर करके, इंद्रिय भोग वासनाओं से ऊपर, बुद्धि और बुद्धि की तर्कनाओं से ऊपर, मन और मन के सारे संकल्पों से ऊपर उठ करके स्वतत्व का अनुभव करके परम शांति का अनुभव करो, आपका जीवन बढ़िया हो गया।
बाहर जीवन सुखमय हो गया, आंतरिक जीवन अनंत शांतिमय हो गया। सदगुरु कबीर का नमन करते हुए उनके आदर्श को फिर से सुन लो दोहरा करके कि कबीर दुर्मति दूर करू, अच्छा जन्म बनाओ। और दो उदाहरण दिए कि काग गवन गति छाड़ी के, कौए की चाल छोड़ करके हंस चाल को अपनाओ। अभी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कौआ केना बोले छे हो, सुने मन करे छ कि नहीं? कौआ कौ कौ बोले छे, हैं? कोयल कुछ देता नहीं है किसी को, केवल मीठा शब्द बोलता है। ता भी कोयल की तरह कठोर बोलना छोड़ दीजिए, कौए की तरह चंचलता छोड़ दीजिए, कौए की तरह खाद या खाद विचार को छोड़ दीजिए। न खाद का विकार न खाद का विचार। हलवा पूरी बनाया लोग खाया फेंका तो हलवो पूरी खा लेगा वो, हलवा पूरी खा करके बांस के बगल में सुबह पैखाना किया तो बैठ रहता हूं। उसी तरह से आप काग बुद्धि को छोड़ दीजिए। सत्संग में आया तो वहां भी आगे बैठ जाओ, आर्केस्ट्रा पार्टी हुआ तो वहां भी आगे कुर्सी रमा दो, ठिकाने नहीं है क्या तुम छोड़ते हो क्या पकड़ते हो, कुछ विवेक करके तो चलो। इसलिए काग बुद्धि को छोड़ दो, हंस बुद्धि को अपनाओ। हंस दूध पानी निर्णय करने वाला होता है, हंस दशा है जड़ चेतन का निर्णय करने वाला, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाला, खाद्य अखाद्य का निर्णय करने वाला, बंधन मोक्ष का निर्णय करने वाला। ये सदगुरु कबीर की साखी में चार सूत्र बड़े महत्व के हैं। कबीर दुर्मति दूर करूं और अच्छा जन्म बना लो, और काग की बुद्धि छोड़ करके, काग की चाल छोड़ करके हंस की चाल को अपना लो, आप सभी लोगों का जीवन बढ़िया बन जाएगा। शरीर के लिए बढ़िया भोजन लो, आत्मा के लिए बढ़िया ध्यान साधना करो। शरीर के लिए श्रम, आत्मा के लिए साधना। बाहर का जीवन आपका सुखमय हो जाए, आंतरिक जीवन अभी चल शांतिमय हो जाए। बड़े शांत भाव से आप लोगों ने इतना लंबा सत्र की बातों को सुनने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए है। इस सपा वाले भाई जो संकल्प लिया सत्संग का, और उस संकल्प को कार्य रूप देने में जिन लोगों ने धन सहयोग किया है, तन सहयोग किया है, बुद्धि का सहयोग किया है, उस सारे सहयोग करने वाले भागीदार लोगों के प्रति अनंत अनंत साधुवाद है इस मंच से कि सभी शरीर से स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, और ऐसी सद्बुद्धि सबके पास हो कि ऐसे ही समय समय से कार्यक्रम करके अपना कल्याण करें, सुंदर सभ्य समाज का निर्माण करें। मनुष्य तो वह है जो सुधरता है, सुधारता है, जानता है, दूसरे को जनाता है, स्वयं अच्छा बनता है, दूसरे को अच्छे बनने की प्रेरणा देता है, स्वयं नशा दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीता है, नशा दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है, स्वयं मातृ पितृ भक्त जीवन जीता है, दूसरे को मातृ पितृ भक्त परायण होने की शिक्षा देता है, स्वयं साधना में जीवन जीता है, सब भाई बहनों के अंदर ध्यान साधना की भाग को जगाता है, उसी आदमी को हम सज्जन कहते हैं। ऐसा करना और करवाना एक नैतिक दायित्व हम लोगों का है। यहाँ के भाई लोगों का भी धन्यवाद इस मंच से है। इस पंडाल में आने वाले जितने भाई बहन हैं सभी लोगों का जीवन धन्य हो, कृतार्थ हो जाए, सभी तरह से आपका भौतिक आध्यात्मिक जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक प्रशस्ति बाग फिर कहूँगा, जिसको आप लोग प्रेम से दोहरा दीजिएगा उच्च स्वर में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, खोल करके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवे, मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, सबका पारस्परिक जीवन लगाव सद्भाव प्रेमपूर्ण हो, सब कल्याण लाभ करें, किसी के जीवन में कोई दुख, कोई क्लेश, कोई प्रतिकूलता की गंध नहीं रहे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद